हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग अब से आज से गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो कराने वाले हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम कराने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम लोग वीडियो डालने स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो लीनियर एलजेब्रा रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और आपको पता नहीं हो कि काफी चीजें, जैसे मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स करा रहा हूं, आपने पढ़ा नहीं हो, तो अब इन वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन कराऊंगा और ये मान के चलूंगा कि आपको सारे बेसिक क्लियर, आपकी थ्योरी क्लियर है। लेकिन जिन स्टूडेंट की थ्योरी और इन्होंने पहले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी वीडियो पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद अगर वो क्लास अटेंड करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन भी होंगे और आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको हर वीडियो जब भी मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करूंगा आज शाम से लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, करीब 300 क्वेश्चन है, तो 7-8-10 वीडियो के अंदर वो हो जाएगा, करीब 4-5 दिन में एक सेक्शन खत्म हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस, ऐसे करके अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कोर्स करेंगे। तो हर वीडियो बनाने से पहले, जैसे लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूं तो उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोज बताऊंगा जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो वो वीडियोस में आपको बोलूंगा कि पहले आप उन वीडियो को देखिए, एक नोट्स कॉपी लीजिए, उसके अंदर पूरा नोट बनाइए। ठीक है, और उसके बाद में जब आप वो क्वेश्चंस देखेंगे तो आप, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने मेरे अभी गूगल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्लेलिस्ट में जाना है और कौन से आपको वीडियोस आज देखने हैं ताकि शाम को आने वाला वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि जो भी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें से आप 90% से 100% क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, ऐसा ही मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड में भी कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर जाना है, उसके बाद में आपको ये प्लेलिस्ट सर्च करनी है, एटीसी, ये वाली। देखो, ये मैंने कल भी बताया था कि मैंने एटीसी के अंदर जो पढ़ाया था, एटीसी की जो मैथ्स होती है वैसे गेट्स का, गेट के मैथ्स का कोर्स लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब इसके 74 वीडियो बनाए हुए, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इस पर जाना है, इस प्लेलिस्ट में जाना है और आज मैं बता रहा हूँ वो वीडियो आपको देखना। देखो, सारे वीडियो नहीं देखने हैं आपको, मैं जो बता रहा हूँ वही वीडियो आपको देखने हैं। इसके अंदर स्पेशली आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ दिख रहा होगा एटीसी 2020 क्वेश्चन सीरीज ऑन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एएन वैल्यू, ये वाला जो दिख रहा है एटीसी 2020 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नीचे वाला एटीसी 2020 कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज ऑन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एएन वैल्यू। तो पहला ये वीडियो देखना है, उसके नीचे वाला वीडियो देखना है, फिर एटीसी 2020 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पार्ट 2 देखना है, और फिर 80-20 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट रैंक एन वैल्यू और काली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये चार वीडियो सारे स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, चारों वीडियो जो आपको स्टार्ट करना है, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाले से स्टार्ट करना है, ये चारों वीडियो के नोट्स आप पहले से बना कर रखेंगे ताकि मैं शाम को जब वीडियो डालूं तो उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट को सब कुछ चीजें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने इसके अंदर रैंक कैसे निकालते हैं, एन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, काली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई हुई है। तो पहले ये चार वीडियो आप देखेंगे और उसके नीचे कमेंट कर देंगे कि कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड सर। ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा हाँ आप लोगों ने कंप्लीट किया है। देखो, अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे को पक्का पता है कि 10 में से 5 बच्चों को समझ में आना है और 5 बच्चों को नहीं आना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि 10 के 10 लोगों को समझ में आए, तो उसके लिए आपको ये चार वीडियो पहले देख लो, इसके नोट्स बना लो ताकि शाम को जब आपका वीडियो अपलोड होगा, शाम को लेट होगा 10-11 बजे करीब वीडियो अपलोड होगा, मैं बना रहा हूं अभी, करीब 25-30 क्वेश्चंस अभी बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैं जैसे डालूंगा तो 25-30 क्वेश्चन आप अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएंगे, अगर आपने ये चारों वीडियो देखे होंगे तो मेरी बात सबको क्लियर होगी होगी। तो ये चारों वीडियो देखने जरूरी है। मैं वापस बता देता हूँ कि कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एन वैल्यू वाला, फिर डिटरमिनेंट पार्ट 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, आप समझदार हो, आप देख सकते हो कौन कौन से। वैसे ये सारे के सारे वीडियो, आप कोई भी वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया हुआ है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, नाम एटीसी लेकिन पढ़ा था गेट की बुक से ही था। ठीक है, तो ये चारों वीडियो आज जरूर देखने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आगे अगर आपको इसमें कुछ और वीडियो मिलते हैं, बाकी मेरे को चार वीडियो ही लगे, बाकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट जो है गेट के जो प्रीवियस गेट के जो पेपर्स होते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं मैंने। अगर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा तो कैलकुलस के भी वीडियो आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी यहाँ से कंप्लीट होगी, क्वेश्चन मैं वहां कराऊंगा। जैसे मैं वहां रैंक करा रहा हूँ तो रैंक का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो देखना है। यहाँ पर मैंने सब कुछ रैंक का पूरा एकदम एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, तो वहां पर आपको रैंक समझ में आएगी, फिर वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे भी आराम से क्लियर हो रहे होंगे।
तो प्रॉपर प्लानिंग से करना है। अगर आपका इंजीनियर मैथमेटिक्स वीक है तो मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ डेली एक दो घंटे दो तीन घंटे देना है, आपकी गारंटी है मैक्सिमम क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। वैसे मैं जनरल एप्टीट्यूड में करूंगा, जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको वीडियोस बताऊंगा कि ये वीडियो देखिए, उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसके सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, तब आपको इजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में लिखा होगा आपका, देखो वापस बताता हूँ कि ATCAO कंप्लीट मैथमेटिक्स लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है, इसमें नीचे जाना है। ये पूरी मैं लिंक इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, कुछ आप कीजिए, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें नहीं पता चलेगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये चीजें भी देखनी चाहिए। सब चीजें मैं बना बना के दे दूंगा तो फिर आप उतना कुछ नहीं करेंगे। तो जाना है सीधे सीधे नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है कंप्लीट मैथमेटिक्स सीधे से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये चार वीडियो आज इसके नोट्स बना कर देख देना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो एक तो 44, 46, 17 और 28 करीब डेढ़ दो घंटे में आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, 1.5 कर देना, ये वीडियो जरूर देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आप शाम को 25 क्वेश्चन का आपको जो गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और उसमें समझाऊंगा, काफी सच्चे समझाऊंगा। लेकिन अब रैंक है तो रैंक का मैं पूरा नहीं बताने वाला, इसमें बताया हुआ है तो ये चीज आप जाकर देख लेना। वहां पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि रैंक होती क्या है, कैसे निकालते हैं, फटाफट करा देंगे, उसमें आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन ज्यादा हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।